नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कुदरत का करिश्मा देखिए, एक बकरे पर उर्दू में मोहम्मद लिखा मिला तो बकरे को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। तो वहीं बकरे को खरीदने वाले लोग भी मौके पर पहुंचे तथा उसे खरीदने की इच्छा जाहिर करते हुए बकरे की कीमत लाखों रुपए तक लगा दी। लेकिन आज कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में परिवार के सदस्यों को बेरोजगारी के चलते बकरे को बेचने के लिए मजबूर है। गाँव जंदरपुर मंडावली निवासी यामीन 2 साल पहले बकरी का बच्चा लेकर आया था। बकरे पर कुछ निशान थे, लेकिन जैसे जैसे बकरा बड़ा होता गया उस पर लिखा निशान भी बड़ा हुआ तो उर्दू में लिखा मोहम्मद नाम भी साफ दिखाई देने लगा। मोहम्मद नाम लिखे बकरे को देखने के लिए गांव सहित आसपास के गांव के लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े तो कई लोगों ने बकरे को खरीदने की इच्छा भी जाहिर की। लेकिन यामीन ने मना करते हुए कहा कि मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन कोरोना महामारी व लॉकडाउन के चलते कामकाज ठप होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जिससे उन्हें बकरे को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मोहम्मद लिखे बकरे को खरीदने वालों का तांता लगा है, बकरे की कीमत लाखों रुपए तक लग गई है। अब देखना है कि मोहम्मद लिखा बकरा किस व्यक्ति के नसीब में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद है। यामीन जी, ये जो आपका बकरा है इसके पेट पे मोहम्मद लिखा हुआ है, क्या ये बचपने से है? हाँ, बचपने से ही है। आपने किसी मौलाना को इस चीज का दिखाया? हाँ, मुफ्ती साहब को दिखाया। क्या कहा उन्होंने? ये कहा है, सब पढ़ कर सब समझाया हमें और बताया कि ये मीम है, ये दाल है, ये मीम है, ये है, इस तरीके से हम सब समझाया। अच्छा, कितना बड़ा बच्चा जो है आपने पाला था, कब से है ये आपके पास? मैंने 2 साल पहले लिया बच्चा ही लिया था। तो क्या जब आपको पता था इस निशान इस केस पे इस तरीके से लिखा हुआ, जब पता लग गई थी या बड़ा होने के बाद? बड़ा होने पर पता लगा। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि जब आपको दिखा के ये मोहम्मद का नाम है जी, तो आप किस तरीके से महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, बढ़िया महसूस हो रहा है। तो क्या इसकी कुर्बानी उर्बानी के बारे में कुछ बताया मुफ्ती साहब ने या किसी ने? हाँ, उन्होंने ये बताया कि आप इसको जरूरत के खातिर बेच भी सकते हैं और कुर्बानी भी कर सकते हैं। क्या नाम है आपको? सरफराज एडवोकेट। सरफराज जी, आपके गांव में एक बकरा जो है जिसके पेट पे मोहम्मद लिखा हुआ है, आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ये कब से देख रहे हैं इस बकरे को? मैं लगभग इसको 2 साल का बच्चा हो गया हमारा ये, और इसका जो है पूरा हमारे आसपास एरिया में इसका चर्चा है। इस पर देखिए, सबसे हमारे हुजूर साहब का नाम लिखा हुआ है। तो क्या गांव में या आसपास के क्षेत्र के लोग भी इसे देखने आते हैं? जी जी बिल्कुल, हाँ, हमारे गांव के आसपास के जो भी लोग हैं इसको, इनको भी पता लगता रहता है, वो बिल्कुल इसको देखने भी। अच्छा, आते इसका पालन पोषण जो है कौन कर रहे हैं? इंशाल्लाह इनके पापा, इनके जो पालने वाले हैं वो हमारे यामीन भाई जो हैं वो पालन पोषण करते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह इसको पालते हैं। अपने जो है जैसे अपने औलाद को पालता है आदमी, उसी तरीके से इसको पालते हैं। यामीन जी के क्या मतलब हालात है? हालात कैसे हैं? यामीन भाई देखो, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है जी, बस अपना अब तो ऊपर से लॉकडाउन का इतना वो हो गया प्रेशर के ठीक से अपना वो भी नहीं हो रही है। तो इसकी कुर्बानी के बारे में जो है क्या है कि मतलब इसकी कुर्बानी हो जाएगी यदि मुफ्ती साहब वगैरह ने कभी कोई? जी जी इंशाल्लाह, देखो इसके बारे में इंशाल्लाह वो बताएं तो बेहतर रहेगा। देखो, हमें इस चीज़ का वो नहीं है नॉलेज, हमारे जो बड़े बताएँगे इंशाल्लाह, तो अगर वो बताएँगे होनी चाहिए तो होएगी। मुफ्ती साहब हमारे बड़े जो उलमा हैं हमारे, वो बताएंगे इंशाल्लाह, तो शायद इसकी कुर्बानी भी। आपको क्या लगता है जैसे बकरा ईद आने वाली है तो इसकी लगभग कीमत कितनी हो सकती है? इसकी कीमत लाखों के आसपास तो जानी चाहिए इसकी कीमत, जैसे कि 2 साल का भी हो गया और माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत है, तो कीमत तो इंशाल्लाह ज़्यादा जानी चाहिए। क्या अभी तक इसकी कुछ कीमत लग पाई है? जी, यहाँ पे आए हैं कोई मतलब बहुत से लोग आए हैं, पर अभी 2-3 दिन पहले भी कुछ लोग आए थे, तो इसकी कीमत इन्होंने मतलब लगभग एक के आसपास बताई इन्होंने कीमत, तो वो बता के भी गए कि इंशाल्लाह कुछ हम बताते हैं इसके बारे में। तो क्या ये अमीन जी का इरादा इस बार इसको बेचने का बन रहा है? जैसे कि जी इनका बेचने का इरादा बन रहा है हमारे अमीन भाई, गरीब आदमी है, देखो सब कुछ देखना पड़ता है, इस टाइम काम भी नहीं है, ऊपर से